स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल में, आपके साथ मैं हूं अंशुलि भंडारी। तो जनता टीवी ने अस्पतालों का रियलिटी चेक किया और इस दौरान कई खामियां प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिली, सुविधाओं का टोटा नजर आया तो कई जगहों पर डॉक्टर्स ही यहां पर गायब दिखाई पड़े। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से जनता के कुछ सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण यहां पर है कि आखिरकार वाकई में ऐसी हालत क्यों यहां पर बनी है। सरकारी अस्पतालों में क्यों है डॉक्टर्स की कमी, कहां गायब हैं सरकारी डॉक्टर, कागजों में डॉक्टर, अस्पताल में कोई क्यों नहीं, कहीं सरकारी डॉक्टर तो नहीं चला रहे प्राइवेट क्लिनिक, डॉक्टर सरकारी काम प्राइवेट, क्या सरकार को सब और सबका है पता, कौन है इस बदहाली का जिम्मेदार। तो प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है, डॉक्टर्स की कमी हुई हुई है। जब यही सवाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से पूछा गया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। खाली हरियाणा में नहीं है, सारे देश में उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, लेकिन हम अलग अलग नीतियाँ बनाते रहते हैं। अब हमने नीति बनाई है कि हम एडवोक पर डॉक्टर रखेंगे, वो अप्रूव हो गई है, उम्मीद है कि आज उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो उसमें MBBS को हम देंगे 75,000 रुपये और जो स्पेशलिस्ट होगा और 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होगा उसको देंगे 1.5 लाख। कोई हरियाणा के किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS करेगा उसको 1 साल के लिए हमारे सरकारी अस्पताल में ड्यूटी देनी होगी तो ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कानून लागू हो जाने से हमारे पास डॉक्टरों की कमी जो है सारी पूरी हो जाएगी। तो जनता टीवी ने हरियाणा के कई शहरों के अस्पतालों का रियलिटी चेक किया और इस दौरान अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव दिखा और साथ ही डॉक्टर्स भी यहां पर ना के बराबर ही दिखे, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो जनता टीवी बोल जनता बोल के इस मंच से ये सवाल उठा रहा है कि आखिर वाकई में प्रदेश के अस्पतालों का अगर ये हाल यहां पर बना हुआ है तो कब सुधरेंगे हालात, कब स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का जागेगा। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके भी आसपास कोई सरकारी अस्पताल है और वहां पर इस तरीके की असुविधा हो रही है, डॉक्टर्स की कमी वहां पर बनी हुई है, तो भी आप बोल जनता बोल के इस मंच पर आप अपनी राय या अपनी बात को, अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जनता की आवाज को उठाया जाए और उन अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया जाए जिनकी बेहद सख्त जरूरत है। तो सवाल यहां पर यही है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ये कह चुके हैं कि हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरीके के हालात सरकारी अस्पतालों में बने हुए हैं और इसका असर जो है वो हरियाणा पे पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हालात में सुधार होने चाहिए, वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके की अगर स्थिति बनी रही तो फिर आगे कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो होती है, क्योंकि अमूमन जब जनता टीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया सरकारी अस्पतालों का जाकर तो वहां पर कहीं पर डॉक्टर्स नहीं थे, कहीं पर व्यवस्थाएं नहीं थी, कहीं पर मरीज के और उनके तीमारदारों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी और यहां तक कि जो दवाइयां हैं वो भी पूरी उन्हें डिस्पेंसरी में नहीं मिलती है, ये कहा जाता है कि आप बाहर से दवाइयां लेकर आए। अब ऐसे हालात में किसे दोष दिया जाए, व्यवस्था को दोष दिया जाए, अस्पताल प्रबंधन को दोष दिया जाए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह स्थिति जो है वो सिर्फ हरियाणा की नहीं है, अन्य राज्यों की भी है। लेकिन आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसके लिए, किसे जिम्मेदार आप मानते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं बोल जनता बोल के इस मंच पर, हमें कॉल करिए और आपका क्या सुझाव है इस पर वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी इस तरीके की सरकारी अस्पताल में इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बिना देर करे आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस रियलिटी चेक को लेकर, आप
किस तरीके से आपको लगता है कि वाकई में प्रदेश के नागरिक अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां के हालातों को सुधरना चाहिए या फिर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं सुनते हैं? अस्पतालों में, जिन सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है, वहां का इस तरीके का हाल बना हुआ है। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पताल हैं अच्छी हालत में होते हैं, चीजें ठीक होती हैं, वहां पर सुविधाएं होती हैं। और राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं। जी राम जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी, जी अपनी बात रखिए आप। मैडम, ये सरकारी हॉस्पिटलों की जो बदतर हालत हो चुकी है ना, इसमें सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर ही है मेरे ख्याल में इस हालत के, जो जिसको माना जाए जी। ये अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, जैसे निर्वाणा से बत्री जी का वो आया था एक सामने, तो इसको प्राइवेट अपना जो क्लिनिक चलाते हैं ना, उनको ही मेरे ख्याल में माना जाए इसका दोषी डॉक्टरों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी अपनी बात इस मंच पर रखने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। और वाकई में आपको लगता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स जो हैं वो रहते नहीं, अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, और इसका जो खामियाजा है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी के रूप में भुगतना पड़ता है। वाकई में इस तरीके के हालात आखिर क्यों बने हैं? किसे आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? सरकारी तंत्र इसको लेकर क्या कर रहा है? स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर क्या कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी ये कह देते हैं कि हालात जो हैं वो सिर्फ हरियाणा के ऐसे नहीं है, लेकिन वाकई में आपको लगता है ऐसा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वो जो दिखाते हैं उनसे कोसों दूर हैं? जो व्यवस्थाएं करने की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अधूरे रह जाते हैं? आपके आसपास के सरकारी अस्पतालों की हालत क्या बनी हुई है? वहां पर किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है? क्या वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है? तो वो भी आप इस मंच पर, बोल जनता बोल के मंच पर, आप अपनी बात को उठा सकते हैं, इस मुद्दे को आप उठा सकते हैं। जनता टीवी आपको ये मंच दे रहा है। और करमजीत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। करमजीत जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं, जो अनिल बीच जी का सुना था मैंने, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जो कमी चल रही है, और उन्होंने क्या कहा कि ये तो सारे देश में ही है, तो ये मंत्री महोदय का ये जवाब तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। भाई, पूरे देश में ही नहीं है तो आप क्या क्या कर रहे हैं? अब तक आपने क्या व्यवस्था की है आप 5 सालों के अंदर जी? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करमजीत जी अपनी बात को रखने के लिए। तो जनता ये जानना चाहती है कि आपने क्या किया है बतौर स्वास्थ्य मंत्री, आपने इन 5 सालों में क्या किया है, और स्वास्थ्य महकमा जो है क्यों मौन बना हुआ है, आखिर वजह क्या है? और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश हैं। रमेश जी, आप अपनी बात रखिए। मैडम जी, यहाँ नरवाना में जो हॉस्पिटल है इसकी बहुत बुरी हालत है जी, कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ, और मरीजों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जी। ना कोई दवाइयों टाइम पे मिलती है, ना डॉक्टर टाइम पे आते हैं, जो डॉक्टर दे रहे अपने नर्सिंग होम अपने प्राइवेट चलाते हैं ये जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, नरवाना से जुड़े थे। इनका कहना है कि नरवाना में भी इस तरीके के हालात बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, मरीज जाए तो जाए कहाँ, ये हालात प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बने हुए हैं। तो हकीकत तस्वीरें बयां कर रही है, लोग व्यवस्था बयां कर रहे हैं कि आखिरकार वजह यहां पर क्या है, ये सवाल के तौर पर पूछा जा रहा है। लेकिन आपको भी लगता है कि आपके भी आसपास अगर कोई सरकारी अस्पताल है और वहां पर इस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं, तो वो भी जनता टीवी आपको ये मंच दे रहा है ताकि आप अपनी बात जो है वो रख सकें। और सरकारी अस्पतालों का जो मुद्दा है, क्योंकि अक्सर हम खबरें सुनते हैं जिस तरीके से कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, और अगर उनकी बारी आ भी जाती है तो फिर दवाइयां उन्हें नहीं मिलती, ये कहा जाता है कि आप बाहर से लीजिए, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते क्योंकि उन्हें प्राइवेट क्लिनिक अपना चलाना होता है, तो ऐसे में जिम्मेदार इसमें कौन है? और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हैं। जी नागेंद्र सिंह नेगी जी, अपनी बात रखिए आप। मैडम नमस्कार जी, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ मैडम जी। जी मैडम, अनिल बीज जी ने बिल्कुल सही बात कही कि ये स्थिति सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में है, हिमाचल से लेकर के हिंद महासागर तक जितने भी प्रदेश हैं, मैंने तो ये महसूस किया कि हर अस्पताल का लगभग यही हालत है जो सरकारी है। ये सरकारी अस्पताल तो रेफरल हॉस्पिटल बन चुके हैं,
यही वो स्थान है जहाँ पर गरीब मजदूर किसान और मजलूम लोग जो है वो अपना इलाज करवाते हैं। अब ये जो नेता अफसर जो जज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये तो अमीरों के लिए तो प्राइवेट अस्पताल फाइव स्टार हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ पर कि वो खजाने से लेते हैं सरकारी से पैसा तनख्वाह लेंगे सरकारी खजाने ट्रेजरी से, लेकिन जब इलाज करवाने की बात आएगी तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाते और वो प्राइवेट से इलाज करवाते। प्राइवेट की हालत ये है कि वो सरकारी अस्पताल जो रेफर करते हैं केसेज वो उनको प्राइवेट में भेज देते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब ने अपना इलाज करवाना है तो वो मकान गहने जमीन सब कुछ रहन रख करके अपने प्रियजन को बचाने। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी। और रतिराम जी हमारे साथ जुड़ गए एक और कॉलर जी। रतिराम जी आप अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, मैं भादरगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी सिस्टर कैथल सरता के पास से 21 दिन पहले रोहतक मेडिकल में आई थी, उसके पाँव में जख्म था, उन्होंने पट्टी करके छोड़ दिया और अब 21 दिन के बाद हमने दिल्ली प्राइवेट में उसका पाँव कटवाना पड़ा। ऐसे लोग हमारी बहन का पाँव काटा गया है 4 दिन पहले, नहीं तो उसकी जान खत्म हो जाती। ये रोहतक मेडिकल का हाल है जी। जी उन्होंने सिर्फ पट्टी करके छोड़ दिया और ये कहते रहे कि पट्टी करवाते रहो। जी तो लापरवाही की हद देखिए यहाँ पर किस तरीके से जिस तरीके से रोहतक में ये मामला सामने आया है। चलिए अजीत सिंह जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अजीत सिंह जी आप अपनी बात रखिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। वैसे आज हमारे हॉस्पिटलों में सुविधा सरकार ने सारी दे रखी है लेकिन ये डॉक्टर है ये सारी लापरवाही बरतते हैं। ये डॉक्टर अपनी क्लिनिक बना करके अलग से प्राइवेट पैसे ऐंठते हैं, क्यों घर आप गरीब आदमी इनकी कंप्लेंट करने के लिए पहुंच नहीं सकता। जब ये महकमे सरकार हमारी सख्त होगी ना, 2-4 बड़े बड़े अधिकारियों को इनको फांसी तोड़ी जाएंगे, जब तक इनको फांसी नहीं ठटक इनका खोप नहीं होगा, इनको डर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमन शर्मा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमन जी आप अपनी बात रखिए। मैं ये तो कहना चाहता हूँ जी, जैसे पानीपत में हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, बिल्डिंग में बिल्डिंग तो बना के तैयार कर दी है गवर्नमेंट ने, उसमें डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं जी, असिस्टेंट देखते हैं वहाँ पे, एक भी डॉक्टर नहीं है पूरी बिल्डिंग में पानीपत के अंदर। बताइए कैसे चलेगा ये। चलिए सारे 5 डॉक्टर है जी, बिल्डिंग तो बना दी इन्होंने, कम से कम गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, बिल्डिंग बना दी उस पर तैयार हो गया, उसमें डॉक्टर भी तो करने चाहिए, डॉक्टर भी भेजने चाहिए जी। बिल्कुल, पानीपत का ये सरकारी अस्पताल है, वहां के हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नमन शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जहां पर बिल्डिंग बना दी गई लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, ये वहां के लोगों का कहना है। तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का आलम आपने सुना है, क्योंकि जनता जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रही है और बता रही है कि सरकारी अस्पतालों में हालात किस कदर यहां पर बने हुए हैं, जिम्मेदार कौन है ये जनता पूछ रही है उन अधिकारियों से जो व्यवस्थाएं लागू करना जिनका काम होता है लेकिन व्यवस्थाएं लागू नहीं की जाती। इमारत बना दी जाती है, डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं लेकिन डॉक्टर्स वहां पर आकर ज्वाइन नहीं करते हैं। दवाइयों की बात की जाती है कि दवाइयां आपको डिस्पेंसरी में, सरकारी अस्पताल के डिस्पेंसरी में मुफ्त और मिलेगी पूरी, बावजूद इसके कुछ दवाइयां देकर ये कह दिया जाता है कि आप बाहर से प्राइवेट दवाइयां जो हैं आप प्राइवेट दुकानों से वहां से दवाइयां ले लीजिए। नवीन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नवीन जी आप अपनी बात रखिए। हेलो जी नवीन जी आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, कालावाली में जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे गरीबों के लिए कोई इंजेक्शन लगाने का, अगर किसी को बुखार हो जाए तो इंजेक्शन लगाने के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। गरीब जो जनता है उनको सिरसा या बठिंडा जाना पड़ता है, एक जो 10 रुपए का काम है वो 1000-1500 रुपए में उनका काम होता है, गरीब जनता बहुत परेशान है। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से हमारा अनुरोध है कि कालावाली की तरफ भी ध्यान दिया जाए और कालावाली के अंदर डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जैन जी। और जनता टीवी आप सभी को ये मंच दे रहा है ताकि आप अपनी जो सरकारी अस्पतालों से जुड़ी जो भी समस्या है आप इस पर रखें, इस मंच पर रखें और आपके मुद्दे को उठा रहा है जनता टीवी उन अधिकारियों तक, उन मंत्री साहब तक जिनके कानों तक ये आवाज हम पहुंचा रहे हैं, ताकि कम से कम प्रदेश की जनता के जो समस्याएं हैं सरकारी अस्पतालों को लेकर उन पर इनका ध्यान जा सके। लेकिन यकीनन सवाल यहां पर यह है कि डॉक्टर्स की कमी ही यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी यहां पर जो वजह बनकर सामने आई है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी अग्रवाल जी हैं। जी ओपी अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, ये जो आप मुद्दे उठाते हैं बहुत ही बढ़िया उठाते हैं जी। सरकारी अस्पतालों में ये हरियाणा में नहीं है,
ये मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशों में है, और ये सब जो कारण है, मोदी जी ने आके भ्रष्टाचार बहुत कम कर दिया, पर ये सब जो हाय है ये पैसे की है। हमें एक सांस का भरोसा है नहीं, और हम कई जन्मों का धन इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी ड्यूटी पर लापरवाही करते हैं, और धन जोड़ने के लिए हम आम जनता को परेशान करते हैं जी। अन्यथा कहीं कुछ नहीं। अच्छा मैडम, मैं दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केस है जो कम से कम 3-4 हजार करोड़ का होगा ऑल ओवर इंडिया, क्या मैं आपके मंच से वो उठा सकता हूँ? चलिए कोशिश हम करेंगे यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने की भी, लेकिन यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया ओपी अग्रवाल जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा जो है उस पर चुप रहता है, अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का आलम यह बना होता है कि ये कह दिया जाता है कि ये जो दिक्कत है इसे कुछ दिनों बाद खत्म कर दिया जाएगा, अधिकारी जो होते हैं और वो ये कहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा क्यों चुप बना हुआ है? प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि आलम जो है, जो कहानी है, जो व्यवस्था की तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि इनमें सुधार होना जरूरी है। आखिर क्यों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, कई जगह जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर सरकारी अस्पताल है, वहां तो आलम यह है कि डॉक्टर तो छोड़िए, इंजेक्शन लगाने का जो काम करने वाला है वो तक वहां पर नहीं है। और जैसा कि कालावली से भी सामने आया था, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि 10 रुपए का काम उन्हें 1000 या 1500 रुपए में दूर किसी गांव में जाकर या दूर शहर में जाकर करवाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने जैसा काम। तो ये आलम यहां पर बना हुआ है कि यहां पर डॉक्टर्स तो छोड़िए, अन्य जो काम करने वाले अस्पताल में काम करने का जो स्टाफ है उसकी भी भारी कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से जो पूरे तरीके से नागरिक अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल की जो हालत है वो यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स की कमी चलिए मान लेते हैं कि अन्य राज्यों में भी कमी है, इस वजह से दिक्कत है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं का क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी उसको लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्या वजह है कि अभी भी स्वास्थ्य महकमा चुप बना हुआ है? क्यों प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदले, ताकि लोग प्राइवेट अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों का रुख करें अपने इलाज करवाने के लिए? आखिर कब इस तरीके की तस्वीर जो है, कब तक इस तरीके की तस्वीर जो है वो बनी रहेगी? कब तक आम मरीजों को, तीमारदारों को इस तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ेगा? और जनता टीवी बोल जनता बोल के माध्यम से आपको ये मंच दे रहा है। रमेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, आप अपनी बात रखिए। रमेश जी अपनी बात रखिए और अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए सर प्लीज। हाँ मैं बताऊँ, हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल है जी। जी रमेश जी, अनुरोध है आपसे और दर्शकों आपसे भी कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम आप जरूर कम करके रखिए ताकि आपकी जो बात है वो हम इस मंच पर रख सकें और जो अन्य जनता है और जो अधिकारी हैं खासकर जिन तक हमने आपकी आवाज पहुंचानी है उनके कानों तक वो आवाज पहुंच सके। तो आपसे ये हमारा अनुरोध है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल करिए और बताइए कि वाकई में हालात जो है ऐसे बने हुए हैं सरकारी अस्पतालों की हालत, वाकई आपके इलाके में भी अगर कोई सरकारी अस्पताल है वहां पर भी इस तरीके की दिक्कत आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? आखिर जिम्मेदार कौन है? बात इस पर आती है कि जिम्मेदारी किसकी है? स्वास्थ्य महकमा चुप रहता है अपनी जिम्मेदारी को लेकर, अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग पर ठीकरा फोड़ देता है कि वहां से व्यवस्थाएं जो है सुचारू नहीं होती है, डॉक्टर्स की कमी की बात तो छोड़िए, स्टाफ जो होता है पूरी तरीके से नहीं होता है। महावीर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी महावीर जी, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टरों में बहुत कमी है जी। जी डॉक्टर उसका काम करते हैं जिसकी या तो फरमाइश का काम होता है या पैसे ले दे के काम होता है। जी सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई मोदी भी सरकार ने आई बहुत सख्ताई तो है कुछ न कुछ, पर समस्या वही है जी, डॉक्टर कुछ नहीं करते लिहाज। चलिए समस्याएं यहाँ पर कम नहीं हो रही है। अजीत एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजीत जी आप अपनी बात रखिए। अजीत जी अपनी बात रखिए आप। जी जी मैं ये कहने जा रहा हूँ जी, भारत में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो मुस्लिम कंट्रीज में कानून चलता है ना, हाथ पांव काटना जीभ काटने का, जब तक ये प्रावधान ही भारत में किया जाता हमारा भारत नहीं सुधर पाएगा,
मेरे साथ 64 साल से जुल्म ज्यादती हो रही है, आज तक भारत में कहीं नहीं सुनवाई हुई, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत बात कराने। चलिए शुक्रिया। और जनता टीवी आपको ये मंच दे रहा है ताकि आप स्वास्थ्य महकमे या फिर आपके इलाके में कोई भी सरकारी अस्पताल है वहां की हालत के बारे में बताने का, और जनता हमारे साथ जुड़ी और व्यवस्थाओं का आलम देखिए कि जनता का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी थोड़ा ध्यान हमारे इलाके के सरकारी अस्पताल पर भी दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।